Hello friends, welcome back to my channel Study with Soni, and I hope you all are doing very well. Well friends, today again I came up with one more interesting real fact-based story which happened in India in Uttarakhand state before our country's independence. So friends, today's story is Pahari Wilson. Friends, Pahari Wilson, जिसे उत्तराखंड के लोग पहाड़ी राजा के नाम से भी जानते थे. फ्रेंड्स, स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको स्टोरी में काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है. और स्टोरी को सुनाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच. फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज की वीडियोस लगातार मिलती रहें. और अब बिना देरी किए हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. दोस्तों, एक समय की बात है, पहाड़ी विल्सन नाम का एक अंग्रेज था जिसने खुद को हरसिल का राजा घोषित कर लिया था. उसका प्रभाव उस बड़े से पहाड़ी वन क्षेत्र पर इतना ज्यादा था कि उसने व्यापार करने के लिए अपनी ही मुद्रा मींस करेंसी भी जारी कर ली थी. उसका असली नाम फ्रेडरिक ई विल्सन था. उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के चलते आज के उत्तराखंड के क्षेत्र पर मनमाने तरीके से लकड़ी के व्यापार को स्थापित किया और वन संपदा का घातक विनाश किया और अपने शौक के चलते कई वन्य जीवों की हत्या भी की, जिसके चलते कई वन्य जीव संरक्षण की कैटेगरी में भी आ गए और कई लुप्त भी हो गए. और उनकी बदनामी आज तक कायम है क्योंकि 1970 में स्टार्ट हुआ चिपको मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़वाल रीजन में पर्यावरण को बड़े पैमाने पर हुए नुकसान के लिए पहाड़ी विल्सन को जिम्मेदार ठहराया था. और कथित तौर पर उसका टिहरी की रानी साहिब के साथ भी संबंध था और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें और उनकी आने वाली पीढ़ियों को श्राप किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव ने दिया था. यहाँ तक कि फेमस राइटर रुडयार्ड किपलिंग, जो उनके फ्रेंड थे, ने उनका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से किया है, ऐसा जीवन जिया जो राजाओं के लिए ईर्ष्या का विषय होता. तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं उनके बारे में थोड़ा और अच्छे से. फ्रेडरिक ई विल्सन ब्रिटिश साम्राज्य के एक सैनिक थे और भारत में तैनात थे क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था. 1841 के आसपास ऐसी कुछ घटनाएं हुई जो अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. वह मसूरी में सेना से अलग हो गए. उस समय उनकी उम्र 24 वर्ष की थी. कुछ सोर्सेज से पता चला कि विल्सन का किसी सैनिक के साथ झगड़ा हो गया जिसके कारण वह सैनिक मारा गया और विल्सन वहां से भाग गया. वह पहाड़ों में भागता भागता टेहरी गढ़वाल राज्य में आ गया. उसने राजा से कुछ रोजगार देने के लिए कहा, लेकिन राजा तो अंग्रेजों का सहयोगी था, उसे उससे कोई लेना देना नहीं था. लेकिन राजा अपने रिश्ते अंग्रेजों से खराब नहीं करना चाहते थे, वह भी एक भगौड़े के चक्कर में. और जब विल्सन को कोई सहारा न मिला तो वह पहाड़ों की ऊंचाई और दुर्गम क्षेत्र की ओर चला गया जहां उसे कोई न जाने और उसकी जान को कोई खतरा न हो पाए. तब वह हर्षिल नाम की एक जगह पर पहुंचा जहां भागीरथी नदी की घाटी थी, जहां बहुत ही ज्यादा शांति और एकांतमय वातावरण था. और उसने वहीं रहने का फैसला किया. वहां देवदार के पेड़ों और ऊंचे ओक के पेड़ों की छाया के बीच उसने अपना निवास स्थान बनाया. फ्रेंड्स, जैसा कि हम पुरानी बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं कि एक अंग्रेजी बाबू एक खूबसूरत पहाड़ी लड़की से शादी कर लेता है, विल्सन की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही थी. विल्सन राय माता की सुंदरता पर मोहित हो गए, जिनसे उन्होंने विवाह किया, लेकिन नी संतान रहे. विल्सन इस
खबर से नाखुश थे क्योंकि वह पिता बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने जल्दी ही अपना मन बदल लिया और अपने लकड़ी के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। राय माता विल्सन की पहली पत्नी थी। विल्सन की प्रेरणा और उनकी दूसरी पत्नी गुलाबी की चित्र उनके बंगले में देखे जा सकते हैं। वहां उस पहाड़ी क्षेत्र की हवाओं और चहचहाते पक्षियों की आवाज के साथ जागना उनका दैनिक कार्यक्रम था। विल्सन एक शिकारी भी थे। वे काले हिरन का शिकार किया करते थे जिसे हम कस्तूरी हिरन भी कहते हैं और व्यापार करता था। एक दिन शिकार करते समय एक गांव में आ गया जहां उसकी मुलाकात 16 साल की कुंवारी पहाड़ी लड़की सुनग्रामी से हुई। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की थी। वह एक सुंदर बुरांश के फूल जैसी दिख रही थी। वह लड़की सुनग्रामी हर्षिल के पास के गांव मुखबा की रहने वाली थी। सुनग्रामी के घर वाले उसे प्यार से गुलाबी के नाम से पुकारा करते थे और फिर विल्सन ने उस गुलाबी नाम की लड़की से शादी कर ली उसके परिवार की सहमति और ग्रामीणों की सहमति से। उसने अपने आप को हमेशा एक अंग्रेजी अफसर की तरह ही गांव के लोगों के सामने प्रदर्शित किया और स्थानीय निवासी उससे डरते भी थे और आमतौर पर उनके साथ बहुत ही अच्छे से और मिलनसार तरीके से रहा करते थे। स्थानीय मंदिरों के पुजारियों को छोड़कर सभी जो शायद उसे किसी प्रकार के मिशनरी के रूप में सोचते थे जो लोगों का धर्म परिवर्तन करता था और इसी प्रकार शक्तिशाली पुजारियों को बेरोजगार कर देता था। लेकिन मिशनरी से दूर विल्सन की अपनी कुछ शाही इच्छाएं थीं और इसी कारण वह बहुत सारा धन दौलत कमाना चाहता था। जल्दी ही वह क्षेत्र में अच्छी इमारती लकड़ी के व्यापार में शामिल हो गया। वह स्वयं शिक्षित वनस्पति शास्त्री और पक्षी विज्ञानी भी था। उन्होंने इस क्षेत्र में राजमा और सेब भी लगाए और बड़े पैमाने पर यहाँ की जलवायु के अनुसार नकदी फसलों की खेती की। कई लोगों के द्वारा यह कहा और माना जाता रहा है कि उसने 1857 के रिवोल्ट के दौरान अंग्रेजी सेना की ओर से गुप्त रूप से जासूसी की और कई बार अंग्रेजी सेना को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। विल्सन ने अपने अनऑफिशियल नेटवर्क के माध्यम से न केवल मैदानी इलाकों के बल्कि पहाड़ी और उसे आगे भी अपनी नजर रखी और कहा जाता है कि विद्रोह के दौरान उनके द्वारा किए गए काम के कारण ही उन्हें ब्रिटिश आर्मी छोड़ने के अपराध के लिए माफ भी कर दिया गया था और अब वे स्वतंत्र रूप से ब्रिटिश आर्मी का सहयोग दे रहे थे। विल्सन ने टिहरी के राजा को प्राचीन जंगलों में इमारती लकड़ी काटने का अधिकार देने के लिए राजी कर लिया और ऐसा ही हुआ था कि अंग्रेज देश भर में रेलवे लाइन बिछा रहे थे और रेलवे के लिए साल की इमारती लकड़ी के स्लीपरों की भारी मांग थी। इसी तरह वह काफी ज्यादा अमीर आदमी बन गया और भागीरथी नदी के किनारे उसने आरा मिलें स्थापित की और भारी मात्रा में इमारती लकड़ी नदी में बहाकर हरिद्वार की ओर ले जाने लगा। इस काम को करते करते वह पहाड़ी विल्सन अब वास्तव में एक राजा बन गया था और जैसा कि एक राजा का कार्य होता है कि अपने शासन के समय अपने व्यापार के लेन देन के लिए अपने नाम का सिक्का चलाता है, वैसा ही विल्सन ने भी किया। उसने भी अपने नाम का सिक्का चलाया। उसने कई हिल स्टेशन पर अपनी संपत्ति बनाई और रईसी का जीवन जिया। हर्षिल में देवदार की लकड़ी से एक आलीशान बहुत बड़ा लकड़ी का महल बनवाया था। उसने कई बार शादियां की और कई अफेयर्स भी रखे। सब कुछ अच्छा और आकर्षक लग रहा था। गुलाबी उसकी दूसरी पत्नी से उसे 3 बच्चे थे। तीनों ही लड़के थे।
नाथू, चार्ली साहब, इंद्री, वहां के गांव के लोग उन्हें इसी नाम से जानते थे। लेकिन उसके बढ़ते प्रभाव ने गंगोत्री और मुखबा के पुजारियों को उसके वास्तविक इरादों पर और अधिक संदेह करने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इससे पहाड़ी विल्सन और आने वाली पीढ़ियों पर अभिशाप आ गया। निसंदेह इसका कारण यह बताया गया कि भगवान शिव ने स्वयं उसे शाप दिया था, क्योंकि उसने सभी जंगलों को नष्ट कर दिया था और वन्य जीवों का शिकार अत्यधिक मात्रा में कर दिया था। शाप के अनुसार उसकी कोई भी संतान अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी और एक दिन उसका वंश लुप्त हो जाएगा और हर कोई उसके नाम को बिल्कुल भूल जाएगा। पहाड़ी विल्सन ने अपनी अमीरी विलासिता के जीवन के दौरान अपने कई ब्रिटिश दोस्तों बिजनेसमैन के बीच रहने का निश्चय कर मसूरी चला गया, क्योंकि वह सोसाइटी में एक बड़ा नाम हो गया था। उसके पास बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टी हो गई थी। 1883 में उसकी डेथ मसूरी में ही हो गई, लेकिन मरने से पहले तीन बेटों में से दो बड़े बेटों की डेथ उसी के सामने हुई थी। विल्सन का एकमात्र बेटा जो जीवित बचा वह गुमनामी में चला गया और उनका अंतिम वंशज एक अधिकारी था जो शायद उनके अंतिम जीवित पुत्र का पोता था, जिसने इंडियन एयरफोर्स की सेवा की थी, लेकिन 1953 में एक हवाई दुर्घटना में उसकी भी डेथ हो गई। इस तरह पहाड़ी विल्सन की वंशावली समाप्त हो गई। उसने जैसा किया उसको अंत में वैसा ही प्राप्त भी हुआ, गलत काम का गलत नतीजा। सो फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेटिव रियल स्टोरी यहीं पर एंड होती है एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।